देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,404 नए मामले आए सामने। 339 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना मामलों में आई है गिरावट। किसान आंदोलन से 9,000 कंपनियों को नुकसान। एक्शन में आई एनएचआरसी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत यूपी को भेजा नोटिस। आगरा में वायरल बुखार का बढ़ता प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गांव बांट रही दवाइयां। कैंप लगाकर लोगों की हो रही जांच। मथुरा के रावल गांव में राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम। एक दिन पहले मनाई गई छठी पूजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रावल। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किसान आंदोलन के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के मुताबिक किसान आंदोलन से 9,000 से अधिक बड़ी, मंझोली और छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। इन औद्योगिक इकाइयों के अलावा ट्रांसपोर्टेशन पर भी प्रभाव है, जिससे यात्रियों, रोगियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। और यह सिलसिला आंदोलन के साथ साथ जारी है। ऐसी खबरें भी हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण राज्य की सीमाओं पर लगाए जाने वाले बैरिकेड्स की वजह से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए काफी घूम कर जाना पड़ता है और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। किसान आंदोलन को लेकर एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इसके चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को एनएचआरसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 9,000 कंपनियों को इसके चलते नुकसान हुआ है और कई शिकायतें लगातार किसान आंदोलन को लेकर उनके पास आ रही थी। तो आपको बता दें कि एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 9,000 से अधिक कंपनियों को किसान आंदोलन के चलते नुकसान हुआ है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश को ये नोटिस भेजा गया है एनएचआरसी की तरफ से। आपको बता दें कि एनएचआरसी ने एक बयान में कहा है कि उनको लगातार कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बीच कई आम लोगों ने शिकायत करते हुए बताया था कि रोड के किनारे जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर, उसके चलते उन्हें काफ़ी घूम कर अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन बीते 10 महीने से ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स और इसके साथ ही दिल्ली की कई जगहों पर ये किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर अब एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर दिया है। एनएचआरसी ने कहा है कि 9,000 से ज़्यादा कंपनियों को इस किसान आंदोलन की वजह से नुकसान हो रहा है और इसके साथ ही आम लोग भी इससे परेशान हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के 25,404 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 3 करोड़ के पार हो गई है। जबकि इस दौरान 339 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,43,213 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 3.62 लाख हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण से 37,127 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,24,84,159 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 3,62,207 है, जो कुल मामलों का 1.09% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.78% है, जो पिछले 15 दिनों से 3% से कम है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.07% है, जो 81 दिनों से 3% से नीचे बना हुआ है। देश में कोरोना के 25,000
के लगभग मामले मिले हैं, जिसमें से 339 लोगों की आज मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है, जहां पर 25,404 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। आगरा में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर दवाइयों का वितरण कर रही है और कैंप लगाकर लोगों की जांच भी की जा रही है, और डेंगू की पुष्टि होने पर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि बारिश के मौसम में वायरल बुखार के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। तो आगरा की तस्वीरें हैं, जहां पर वायरल बुखार का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कमर कस ली है और जगह जगह घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, ताकि वायरल बुखार को काबू में किया जा सके। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में वायरल बुखार के बाद अब डेंगू और मलेरिया का भी खतरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद से तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसे रोकने के लिए भले ही कानून बन गया हो, लेकिन तीन तलाक के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला नगला भीखा गांव में आया है, जहां एक शख्स ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी की पहले पिटाई की और फिर तीन बार तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर महिला ने थाने पहुंचकर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और साथ ही पति पर दूसरा निकाह करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो पूरा मामला फर्रुखाबाद का है, जहां पर मारपीट के बाद पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया और मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो फर्रुखाबाद से पूरा मामला है, जहां पर तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल दिया है। ये इस तरह के मामले फर्रुखाबाद से लगातार बार बार सामने आ रहे हैं। ये ताज़ा मामला आपको बता दें कि नगला भीखा गाँव से है, जहाँ एक शख्स ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी की पहले तो पिटाई की और फिर उसको तीन बार तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने थाने पहुंचकर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। साथ ही उसने आरोप लगाया है कि पति ने दूसरा निकाह किया है, जिसके चलते उसने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे तीन तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फर्रुखाबाद से संवाददाता पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, ये बताइएगा कि तीन तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया, अब ऐसे में जो पीड़िता है वो पुलिस के पास पहुंची है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से अभी तक? देखिए, जिस तरह से बीते दिनों कानून बना है देश में, उसके बाद भी तीन तलाक के मामले जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जो है वो फर्रुखाबाद के सामने आया है। इसमें कई वर्ष पूर्व शादी महिला की हुई थी इसके साथ में, और आखिरकार कुछ पारिवारिक विवाद की वजह से पति ने उससे तीन बार तलाक कहकर और तीन तलाक का मामला दे दिया, जिसके बाद मामला थाने में पहुंचा है और पुलिस जो है इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि बाद में मामला और निकल के आया कि पीड़ित जो महिला है उसके साथ पति मारपीट कर रहा है, इसकी थाने में भी शिकायत की गई है, तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जी, एक तरफ तो प्रदेश स्तर का ये पूरा मामला हो जाता है, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके की जो चीजें हैं उन पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये तीन तलाक दे देता है ये शख्स, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंचती है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये मामला सामने निकल के आया है, कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक लापरवाही सामने आई है, लेकिन जिस तरह से ये मामले ने तूल पकड़ा है, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में गया है, तो अधिकारी भी जो है कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कि जो भी इसमें जो आरोपी होगा उसको निश्चित दंडित किया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने इस महिला के साथ तलाक दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, जिसके साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि महिला ये बता रही है कि पति ने दूसरा निकाह कर लिया है, जिसके चलते उनके साथ मारपीट की गई है और उनको घर से बाहर निकाला गया है, पति की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जो आरोपी है? देखिए, आरोपी तो अभी मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस के संज्ञान में जब यह मामला आया है तो पुलिस ने जो है इसमें गोलमोल जवाब दे रही है। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की, मारपीट की जाके, तो पुलिस का कहना है कि जो महिला है वो मामले को और ज्यादा तूल देना चाहती है, इस वजह से जो है पीड़िता की तरफ से अजीबोगरीब बार बार बयान बदले जा रहे हैं, तो पुलिस भी उसी आधार पर कार्रवाई करती हुई आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इस तरह के मामलों में कई दफा कुछ पेंच भी छिपे से नजर आते हैं, तो ऐसे में अभी तक प्रथम दृष्टया क्या कुछ नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर?
अब देखिए फरुखाबाद के उच्च अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, चाहे फरुखाबाद के पुलिस कप्तान रहे हों, एडिशनल एसपी रहे हों, उनसे जब इस मामले में मामले को कार्यवाही को लेकर जानना चाहा तो उनका भी यही कहना है, एक ही रटा रटाया बयान है कि जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और तीन तलाक के जिस तरह से मामले फरुखाबाद में बीते दिनों से सामने आते रहे हैं तो जो लोग भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि फरुखाबाद का ये पूरा मामला जहां पर पति ने पत्नी के साथ पहले तो मारपीट की, उसके बाद उसको तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया है कि पीड़िता सही तरीके से पूरी घटना की जानकारी नहीं दे पा रही है और साथ ही घटना को लेकर बार बार अपने बयान बदल रही है। वहीं गोरखपुर में नगर निगम की करोड़ों की लागत के बाद भी सड़क की हालत बदहाल होती जा रही है। बता दें कि सड़क में तारकोल, मिट्टी से लेकर गिट्टी की क्वालिटी में गोलमोल किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की सड़कें चंद महीनों में ही टूट जा रही हैं। गलियां ही नहीं, प्रमुख बाजारों को वीआईपी सड़कें भी कुछ सालों में ही दम तोड़ती नजर आ रही हैं और अब सड़क की हालत ऐसी है कि सड़क के नाम पर गिट्टियां ही बिखरी नजर आती हैं। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला है जहां पर सड़क की खस्ताहाल तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि करोड़ों का बजट पास हुआ है लेकिन आज भी सड़कों का हाल उतना ही बुरा बना हुआ है और बदहाल सड़कों से आम जन जो लोग हैं वो परेशान हैं, आवागमन में दिक्कतें आती हैं, इसको लेकर गोरखपुर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वहीं मेरठ में स्कूल तो खुले हैं लेकिन व्यवस्थाएं अभी दिखाई नहीं दे रही। छोटे छोटे मासूम बच्चों को गंदगी और जलभराव से होकर निकलना पड़ रहा है और यहां तक कि स्कूलों में भी साफ सफाई नहीं है, जिससे घास फूस और झाड़ झुंड में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। दरअसल यह तस्वीरें हैं मेरठ के नूरनगर और उनके आसपास की, जहां स्कूलों में जलभराव से छात्र परेशान हैं। तो वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले और इस बात की उनको जानकारी दी, हालांकि आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल की गंदगी से छात्र परेशान हैं, उनको झाड़ फूड के आसपास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूलों में गंदगी बड़े स्तर पर व्याप्त है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुलाकात की बड़े अधिकारियों से, जिसके बाद उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस पर काम किया जाएगा लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज नजर आए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से ये तानाशाह सरकार आई है, निकम्मी सरकार आई है, अधिकांश विभागों का हाल बुरा है, बेकार हो चुका है। ऐसा ही प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति है, आप जाकर देखेंगे तो अधिकांश प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में है, चार दीवारें टूटी पड़ी हैं और कक्षाएं संचालित कर दी गई हैं लेकिन वहां की साफ सफाई, झाड़ झुंड ऐसे ही खड़े हैं और बच्चों के जो है कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो कोई भी बड़ी घटना जो है इस समय घट सकती है। बरसात का मौसम है, ये निकम्मी सरकार न बच्चों को शिक्षा दे सकती है न अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है। आज इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ मुख्य खंड अधिकारी सुधांशु जी को ज्ञापन दिया है और तमाम तरह की मांगे रखी है। ये सरकार सिर्फ इस तरह दीवारों पर स्लोगन पहुंच सकती है, जमीन पर कोई काम नहीं कर सकती। ये बच्चों के भविष्य खेल से खेल रही है। जल्द अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा और जब तक तमाम व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं हो जाएंगी आंदोलन चालू रहेगा। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला हमीरपुर के बेतवा पुल का है जहां एक ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जीजीआईसी स्कूल की छात्रा थी, जिस समय हादसा हुआ उस समय छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी। हादसे के बाद बेतवा पुल पर लोगों ने लंबा जाम लगा दिया, वहीं परिजनों में भी कोहराम मच गया है। तो हमीरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक की जोरदार टक्कर से छात्रा की मौत हुई है। तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था जिसने छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके चलते साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों समेत तमाम स्थानीय लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया। मथुरा समेत पूरे ब्रज में राधा रानी के जन्मोत्सव का उल्लास छाया हुआ है। कीर्ति नंदिनी ब्रजवाहनु की लाडली राधा रानी की प्राकट्य स्थली रावल में भी धूम मची है। गांव में खुशी का माहौल है। रावल मंदिर के आसपास क्षेत्र की भव्यता भी देखते बन रही है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते की साफ सफाई और चूना वहां पर डाला गया है। गांव में घर घर राधा रानी के
प्राकट्योत्सव की तैयारियों का एक माहौल अद्भुत आनंद का एहसास करा रहे हैं। गांव की परंपरा के अनुसार एक दिन पहले मंदिर में छठी पूजन किया गया है। तो मथुरा की तस्वीरें हैं जहां पर रावल गांव में राधा रानी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, जिसके चलते वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु रावल पहुंच रहे हैं। तो राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम मची है। इस समय मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रावल में राधा रानी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और जहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो मथुरा के रावल गांव में राधा रानी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर तक जाने वाले रास्ते की साफ सफाई की गई है बेहतर ढंग से और इसके साथ ही वहां पर चूना भी डाला गया है। गांव में घर घर राधा रानी के प्राकट्योत्सव की तैयारियों का एक माहौल अद्भुत आनंद का एहसास करा रहा है। कोणा सोनीपत है, आज राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार मनाया जा रहा है और कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी संगत आई हुई है, कल रात से रुके हुए हैं। तो किस प्रकार से आपने देखा अभिषेक हुआ, दर्शन हुए ठाकुर जी के? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? बस यही है कि अपना हर साल आते हैं कि अपना देख के अच्छा माहौल है भाई, अपना ये है जो बंदे आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती हैं। आज रावल गांव में आई हैं, राधा रानी के यहाँ पे दर्शन हुए, अभिषेक हुआ है, तो किस प्रकार से देखा, आनंद की अनुभूति? खूब आनंद आया, खूब अच्छे खुले दर्शन हुए हमें और राधा रानी की बहुत कृपा बरसी। कितने लोग आए हैं आप लोग दर्शन? हम बस आई है हमारी पूरी बस आई है। हाँ जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा से सुरेश सैनी जी जुड़ गए हैं। सुरेश सैनी जी, ये बताइएगा कि रावल गांव में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रावल गांव और राधा रानी का जो बरसाना है वहां पे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ और उनका काफी उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। जिस तरह से राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए लोग बड़ी दूर दूर से मथुरा पहुंचे हैं और वह अपनी जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यानी जो प्रेम का है, वो जो प्रियसी है राधा रानी, जिसको पूरे जन्मोत्सव के लिए वो लोग यहाँ पे आके आनंद उठा रहे हैं और उनका सुबह से ही जो है एक तरह से कहे तो कल से ही उनके जन्मोत्सव की धूम मची हुई है और हर तरफ राधे राधे के नारे गूंज रहे हैं, हर तरफ नाचना गाना बजना जो हो रहा है और भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। जी बिल्कुल सुरेश जी, और मथुरा के रावल गांव के आसपास आपको बता दें कि लगातार जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि साफ सफाई की गई है पहले से, इसके साथ ही चूना डालकर वहां पर रास्तों को भी अलग से बनाया गया है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है किसकी तरफ से की गई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये रावल गांव वो है जिसे मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा भी खोद लिया गया है और जिस तरह से सरकार की एक जो मुहिम थी या कहे एक जो पहल थी कि एक एमपी एक गांव, तो उसे सबसे पहले हेमा मालिनी ने जो गाँव लिया था वो राधा रानी का गांव था और उस गांव में हेमा मालिनी द्वारा जिस तरह से देखा जाए तो अगर ये कहें कि उस समय काफी विकास कराया गया था, उसकी सड़कें बनवाई गई थी, वहाँ लाइटिंग लगाई गई थी, स्कूल बनाए गए थे, उसके साथ साथ ही वहाँ के जो लोगों के लिए और जो है जरूरत की जो सुविधाएं थी उनको भी वहाँ पे काफी शौचालय जैसे हैंडपंप पानी पीने के लिए इस तरह की काफी समस्याओं का वहां पर निदान किया गया था। और अभी हम बात करें तो राधा रानी का जो पैतृक जो जन्म स्थान है जो रावल है, लेकिन रावल के बाद जब यहाँ के राजा कंस के जो अत्याचार थे, उनके जो कंस के जो राक्षस थे, जब उनके भय के कारण फिर राधा रानी के जो पिताजी थे वो अपने ननिहाली बरसाना चले गए थे और जिस तरह से वहां पे भी बरसाना जो राधा रानी का मंदिर बना है वहां भी कल से ही राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम मची है और हर तरफ राधे राधे के नारों के साथ भक्ति की बयार बह रही है। बिल्कुल सुरेश जी, बीते साल हमने देखा था कि इस महोत्सव में खलल डाल दिया था कोरोना ने, तो इस साल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्या? जी, अगर बात करें क्योंकि मथुरा इस तरह कोरोना मुक्त है, मथुरा में कोई भी पेशेंट कोविड का नहीं है और जिस तरह से यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते या पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों को बिल्कुल जो है कोविड मुक्त करते हुए उन्हें लॉकडाउन और उसकी पूरी छूट दे दी थी, हालांकि फिर भी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा और मंदिर कमेटी जो है उनके द्वारा कोविड के नियमों के पालन की बात तो कही जाती है, लेकिन चूंकि भीड़ जितनी होती है तो उसको देखते हुए नहीं लगता
कि कहीं कोविड के नियमों का पालन होता हो। हाँ, हालांकि कुछ लोग मास्क लगाते हुए दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन वो भी ऐसे लोग चंद होते हैं। लेकिन जिस तरह से भीड़ होती है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो बेहद ही मुश्किल। जी धन्यवाद सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मथुरा के रावल गांव का ये पूरा मामला, जहां पर राधा रानी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु रावल गांव जाते देखे जा सकते हैं। लखनऊ से फिरोजाबाद जा रही डीसीएम में थाना सुकोहाबाद स्थित बालाजी मंदिर के पास NH2 पर अचानक शॉर्ट सर्किट से इंजन में आग लग गई। इससे पहले कि ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ड्राइवर और क्लीनर आग के आगे गाड़ी से कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। देखते ही देखते डीसीएम जलने लगी। इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक डीसीएम का आगे का हिस्सा जलकर पूरी तरह से राख हो गया था। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। एक डीसीएम लखनऊ से बिस्किट भरकर फिरोजाबाद जा रही थी, बालाजी मंदिर के सामने शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड आ गई है और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित। मैं गाड़ी लेके आ रहा था, गाड़ी में अचानक से आग लगी, नीचे से इंजन से मैंने गाड़ी रोकी, जब तक गाड़ी जल गई। गाड़ी क्या माल लेके जा रहे थे? बिस्किट लोड है इसमें, बिस्किट। तो कैसे आग लगी है? गाड़ी चलते चलते अचानक से आग नीचे इंजन से लगी है। वहीं दिल्ली देहरादून हाईवे पर उचित मुआवजा न मिलने को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां समस्त किसानों ने प्रशासन का विरोध करते हुए अपनी मांगें पूरी करने की बात कही। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल आशीष पुंडीर से जब बात की गई तो उनका कहना था कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि दिल्ली से देहरादून के लिए निकल रहा है, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो मुआवजा मिलता है वह 2013 एक्ट के तहत व 2000 के सर्किल रेट पर दिया जाता है, जिसमें अभी तक कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। हमारी मांग है कि सर्किल रेट को नियमानुसार हर साल 20-22% होने वाली वृद्धि के आधार पर 2013 से 2021 तक 4 गुना बढ़ाकर अथवा वर्तमान में मिल रहे सर्किल रेट का 10 गुना किसानों को दिया जाए। तो उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सहारनपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों का कहना है कि दिल्ली देहरादून हाईवे को लेकर जो मुआवजा मिल रहा है वो वृद्धि रेट उसका सही नहीं दिया जा रहा है, ये 2013 एक्ट के तहत दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मुआवजे में 10 गुना ज़्यादा सर्किल रेट बढ़ाया जाए और ये किसानों को दिया जाए। हमारी मांग ये है कि एक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दिल्ली से लेकर देहरादून के लिए निकल रहा है, उसमें हमें न तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है। हमें जो मुआवजा मिल रहा है वो 2013 एक्ट जब से बना था और तभी से उसी सर्किल रेट 2013 से, और आज तक हमारा 1 रुपये भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। तो हमारी तो ये मांग है, तो 2013 से लेकर 2021 नियमानुसार जिस तरह की आप वृद्धि हर वर्ष करते हो 20% और 22% जो आप वृद्धि करते हो, इसे 2021 तक आप नियमानुसार जोड़ दो और इसका हमें 4 गुना ये तो दे दो हमें। अगर आप सर्किल रेट के आधार पर नहीं देते तो जो अब आप दे रहे हो उसका हमें 10 गुना दे दो। हमारी कानूनी मांग है, कोई बेवजह की अड़िंग हमारी कोई मांग नहीं है। हमें हमारे खेत दोनों तरफ रह चुके हैं, 20 से हाईवे निकल के चला गया, उस दूसरी तरफ हम कहाँ से जाएं। कुशीनगर के एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले महिला ने हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के को जन्म दिया था और अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब हॉस्पिटल कर्मियों ने लड़की दी थी, जिस पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। कप्तानगंज थाने के सच्चिदानंद हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल में बच्चा बदले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि अस्पताल कर्मियों को एक बच्चा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वापस करते वक्त बच्ची को वापस किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।